पर पहुंचे ने जिन्होंने दस्या कि अज खेडा किवें बदल गईयां ने कि खेड हुण किन्नी ज्यादा तकनीकी बन गई है। जो प्रोग्राम पीजीआई में ऑर्गेनाइज कराया गया है आप किस तरीके से देखते हैं, और जब हम फिटनेस के जब खेलों की बात की जाती है तो आप भी अवार्डी हैं बहुत बड़े, तो किस तरीके से आप सारे प्रोग्राम को देखते हैं? स्पोर्ट्स पहले तो लोग नॉर्मली ऐसे करते थे हमारे टाइम से भी पहले, लेकिन अब आने वाला टाइम स्पोर्ट्स का साइंस पे बहुत डिपेंड करेगा, और ये ऐसे प्रोग्राम जो है साइंस के स्पोर्ट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और स्पोर्ट्स की टोटल डेवलपमेंट जो है वो अब साइंस पे डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना भी स्पीड से रिलेटेड वर्क है, ठीक है स्पीड नेचुरल होती है, लेकिन साथ में साइंस का इसमें स्पोर्टिव होना भी, ट्रेनिंग के दौरान जो भी स्पोर्ट मिलती है साइंस की वो बहुत बड़ी है। सर किस तरीके के बदलाव पहले और अब चीज़ों में आप देख रहे हैं? जब आपका समय होता था तब किस तरीके की चीज़ें होती थी, अब कितना उस चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है जो आज के समय में आ चुका है? हमारे टाइम में फिर भी थोड़ा सा अच्छा आया, हमारे से पहले तो बिल्कुल ही कुछ भी साइंटिफिक नहीं था, टोटल ट्रेनिंग हार्डवर्क था, उसमें साइंस सब्जेक्ट का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था, और इंडिया में तो खास करके जैसे बाहर की डेवलप्ड कंट्री थे जर्मनी जापान और अमेरिका रसिया, इनमें तो फिर भी लिटरेचर बहुत ज़्यादा वहाँ अवेलेबल था, हमारे यहाँ तो स्पोर्ट्स का लिटरेचर भी अवेलेबल नहीं था, और धीरे धीरे जो है अब आने वाले टाइम में देखो हमारे पास ट्रेनिंग के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं, बड़ी अच्छी जो है ट्रेनिंग के लिए जिम है हमारे पास, और साइंटिफिक तरीके से समझाने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट भी हैं, और वो चीज़ भी थोड़ा सा इम्प्रूव किया है पहले से, पहले जैसा नहीं है कोचिज के पास भी। जैसे आपने साइंटिफिकली बात करी है, आपने टेक्निकल चीज़ें करी हैं, वो किस तरीके से इम्पैक्ट करती है हमारे खेलों में भी और हमें आगे बढ़ने में एज एन प्लेयर? ऐसा है जैसे हम साइंस से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे डाइट का ही लो आप, अभी डाइट में जैसे विटामिन वगैरह का जो सिस्टम रहता है पहले हमारे टाइम में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, आज हमारे डाइटिशियन हमें हमारे प्लेयर्स को पर्टिकुलर डाइट क्या देनी है, किस गेम से रिलेटेड है उसको क्या डाइट चाहिए, वो चीज़ें जो है इन्वॉल्व हुई हैं। दूसरी है अभी हमारे टेस्ट हैं वो परफेक्ट हो गए हैं, पहले टेस्ट जो थे वो इतने परफेक्ट नहीं होते थे क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स ही नहीं होते थे, आज वो इक्विपमेंट्स हैं हमारे पास। फिर फिजियोलॉजिकल प्लेयर्स के बारे में जानना, वो हमारे साइंटिस्ट जो है हमें सहयोग करते हैं ट्रेनिंग के दौरान, ये सब बातें जो है बहुत डेवलप हुई हैं।